हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में चैप्टर ठोस अवस्था से हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है द्विबीमा में निविड संकुलन, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस। दोस्तों, आपको पता है कि इसके पहले एक वीडियो में मैंने एक बीमा में निविड संकुलन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उनकी सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया है, तो वहां से आप एक बीमा निविड संकुलन को देखकर अच्छे से समझ लें। उसके बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए, बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक बीमी निविड संकुलन की पंक्तियों को एक साथ रखकर द्विबीमी निविड संकुलन प्राप्त किया जा सकता है। और कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये आज इस वीडियो में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ साथ आपको ये भी पता है कि एक बीमी निविड संकुलन से दो प्रकार के द्विबीमी निविड संकुलन प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसमें से एक को हम कहेंगे द्विबीमी वर्ग निविड संकुलन और दूसरे को कहेंगे द्विबीमी षटकोणीय निविड संकुलन। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये दो प्रकार के निविड संकुलन किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं, और उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक बीमा निविड संकुलन को लिया है। आप जानते हैं कि एक बीमा निविड संकुलन में अवयवी कणों की, या आप कहें कि गोलों की, बस एक पंक्ति बनती है। इसी प्रकार की हमने चार पंक्तियाँ ली हैं यहाँ पर, जिसमें से एक आपको दिखाई गई है। ऐसे ही आप मान लीजिए हमारे पास ऐसी चार पंक्तियाँ हैं। अब इन चारों पंक्तियों को जब हम एक साथ व्यवस्थित करेंगे तो हमको मिलेगा द्विबीमी निविड संकुलन। इन चार पंक्तियों को हम दो प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। पहले प्रकार में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति हमने रखी और दूसरी पंक्ति को कुछ इस प्रकार रखा है हमने कि जो दूसरी पंक्ति के गोले हैं वो प्रथम पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर आ रहे हैं। तो देखिए, जैसे ये दूसरी पंक्ति का गोला है, ये कहाँ पर है, तो प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर। और इसी प्रकार से हमने चार पंक्तियों को व्यवस्थित किया है। दूसरे प्रकार के निविड संकुलन में हम क्या करेंगे कि एक पंक्ति को रखेंगे, इसके बाद दूसरी पंक्ति को, यहाँ पे आप थोड़ा समझिए, आप देख रहे हैं कि इस पंक्ति में दो गोलों के बीच ऐसे आपको एक गड्ढा दिखाई दे रहा है, जिसको हम कहते हैं गोलों के मध्य अवनमन। इस गड्ढे को हम कहते हैं अवनमन। तो यहाँ पर देखिए, पहली पंक्ति को हमने लिया, दूसरी पंक्ति को इस प्रकार से रखा कि जो दूसरी पंक्ति के गोले थे वो प्रथम पंक्ति के गोलों के मध्य के अवनमनों के ऊपर आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये जो दूसरी पंक्ति का गोला है वो प्रथम पंक्ति के गोलों के मध्य का जो अवनमन है इसके ऊपर आ रहा है। और इसी प्रकार, इसी क्रम में हमने चारों पंक्तियों को व्यवस्थित किया है। यहाँ पर इस वाली व्यवस्था से, जहाँ पे हमने गोले के ऊपर गोला रखा है, इस व्यवस्था से हमको प्राप्त होता है द्विबीमी वर्ग निविड संकुलन। और इस वाली व्यवस्था से, जहाँ पर हमने अवनमनों के ऊपर दूसरी पंक्ति को रखा है, इससे प्राप्त होगा द्विबीमी षटकोणीय निविड संकुलन। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि तीसरी कोई व्यवस्था हम नहीं बना सकते हैं, तो एक बीमी निविड संकुलन से केवल दो प्रकार के ही द्विबीमी निविड संकुलन बनाए जा सकते हैं। अब इसको द्विबीमी आप क्यों कहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने दो बीमाओं का उपयोग किया है, एक ये क्षैतिज बीमा और एक ये ऊर्ध्वाधर बीमा। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी हमने दो बीमाओं का उपयोग किया है, इसलिए इस निविड संकुलन को हम कहेंगे द्विबीमी निविड संकुलन। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, निविड संकुलन हम यहाँ पे क्यों शब्द यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कणों को हमने इस प्रकार से रखा है कि उनके मध्य का रिक्त स्थान न्यूनतम है, मतलब कि जो गोले हैं उनको हमने सटाकर रखा है और ये गोले अवयवी कणों को प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए इसको हम कहेंगे क्लोज पैकिंग
या हिंदी में कहेंगे निविड़ संकुलन, और दो बीमा में है तो इसको हम कहेंगे द्विबीमी निविड़ संकुलन। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक ही क्षैतिज वाली बीमा का उपयोग किया गया है तो इसलिए इसको कहेंगे एक बीमी निविड़ संकुलन। उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। द्विबीमी वर्ग निविड़ संकुलन के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ लिया था, तो इसको हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। आपको यदि पढ़ना है तो आपकी सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में द्विबीमी वर्ग निविड़ संकुलन वाली वीडियो का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द्विबीमी षटकोणीय निविड़ संकुलन पर। तो देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग लगा दिया द्विबीमी षटकोणीय निविड़ संकुलन, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आज की इस वीडियो में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से संबंधित प्रत्येक बिंदुओं को बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा, और उस बिंदु को बताने के बाद उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा। और इस तरह जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है वो इस प्रकार से आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी कि आपको उससे संबंधित कोई कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। तो चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं द्विबीमी षटकोणीय निविड़ संकुलन को। द्विबीमी षटकोणीय निविड़ संकुलन के लिए द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर इस प्रकार रखा जा सकता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के अवनमनों के ठीक ऊपर आए। एक बार और समझा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पंक्ति है, एक बीमी निविड़ संकुलन की पंक्ति है। अब इसके ऊपर हम दूसरी पंक्ति को रखेंगे। तो देखिए दूसरी पंक्ति को रखते समय आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो द्वितीय पंक्ति के गोले हैं वो प्रथम पंक्ति के गोलों के अवनमनों के ऊपर आए। तो देखिए यहाँ पर इस गोले और इस गोले के बीच में ये जो गड्ढा है इसी को हम अवनमन कहते हैं। ऐसे आप यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ऐसे अवनमन देख सकते हैं। तो दूसरी पंक्ति को हम इन अवनमनों के ऊपर रखेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार की व्यवस्था मिलेगी, और ऐसे ही हम सभी पंक्तियों को रखेंगे। जब इस प्रकार से हम पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ से जो द्विबीमी निविड़ संकुलन हमको प्राप्त होगा वो कहलाएगा द्विबीमी षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब आप सोचेंगे सर द्विबीमी तो समझ में आ रहा है, षटकोणीय निविड़ संकुलन इसको क्यों कह रहे हैं? तो वो आपको आगे अभी मैं समझाने वाला हूँ, बस आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखते रहें। तो चलिए दूसरे पॉइंट को देखते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में प्रत्येक गोला अपने निकटवर्ती छह गोलों के संपर्क में रहता है, अतः इस संकुलन की उपसहसंयोजन संख्या छह होती है। तो यहाँ पर बीच के किसी गोले को आप ले लीजिए, जैसे इस गोले की हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये अपने आसपास के छह गोलों को स्पर्श कर रहा है, अर्थात छह गोलों के संपर्क में है। आप काउंट कर सकते हैं, देखिए ये गोला है तो इसके संपर्क में है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 गोलों के संपर्क में है। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि किसी निविड़ संकुलन में एक अवयवी कण या गोला जितने अवयवी कणों या गोलों के संपर्क में रहता है उस संख्या को हम उस निविड़ संकुलन की उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर उपसहसंयोजन संख्या कितनी होगी? 6 होगी। बात क्लियर है आपको? तो अगला पॉइंट देखते हैं। यदि 6 निकटवर्ती गोलों के केंद्रों को सीधी रेखा से जोड़ा जाए तो षटकोण प्राप्त होता है, इसलिए इस संकुलन को द्विबीमी षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। यहाँ पे फिगर आप देख लीजिए, ये बीच में एक गोला है और इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं ये 6 गोले हैं जो इसके संपर्क में हैं। यदि इन 6 गोलों के केंद्रों को हम सीधी रेखाओं से ऐसे जोड़ दें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक षटकोण प्राप्त हो रहा है। षटकोण में 6 भुजाओं वाला, ठीक है? तो यहाँ पे षटकोण प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए इस निविड़ संकुलन का नाम होता है षटकोणीय निविड़ संकुलन। मैंने आपको वर्ग निविड़ संकुलन में बताया था कि वहाँ पे उपसहसंयोजन संख्या 4 थी और चारों संपर्क वाले गोले के केंद्र को आप जब मिलाते थे तो वर्ग प्राप्त होता था। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, यहाँ पे षटकोण प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे षटकोणीय निविड़ संकुलन।
और ये व्यवस्था द्विबीमा में है तो इसको हम कहेंगे द्विबीमी षटकोणी निविड संकुलन। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। इस व्यवस्था में द्वितीय पंक्ति प्रथम पंक्ति के समान नहीं है। अब ये समान है या नहीं इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? यदि पंक्तियों के गोले संरेखित होते हैं तो उसको हम कहते हैं वे पंक्तियां समान हैं, और यदि संरेखित नहीं होते हैं तो हम कहते हैं पंक्तियां समान नहीं है। अब संरेखित का क्या अर्थ है अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ गोलों के केंद्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये बिंदु लगाए गए हैं केंद्र पर। यदि हम किसी केंद्र से एक सीधी रेखा खींचें तो देखिए जब केंद्र इस सीधी रेखा में मिलेंगे तो हम कहेंगे ये पंक्तियाँ संरेखित है। तो देखिए प्रथम पंक्ति के गोले का जो केंद्र है वो तृतीय पंक्ति के गोले के केंद्र के साथ मिल रहा है, एक सीधी रेखा में मिल रहा है, यानी कि प्रथम पंक्ति और तृतीय पंक्ति संरेखित हैं। और जब पंक्तियाँ संरेखित हैं तो उसको आप कहेंगे पंक्तियाँ समान प्रकार की हैं। आप समझ सकते हैं कि इस रेखा में द्वितीय पंक्ति के गोले का केंद्र नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि इस व्यवस्था में द्वितीय पंक्ति प्रथम पंक्ति के समान नहीं है। अतः यदि प्रथम पंक्ति को ए कहा जाए तो द्वितीय पंक्ति को ए नहीं कह सकते हैं हम, तो क्या कहेंगे, बी कहेंगे, क्योंकि समान नहीं है तो नाम भी समान नहीं हो सकते हैं। तो देखिए प्रथम पंक्ति को हम ए कहेंगे तो द्वितीय पंक्ति को बी कहेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो द्वितीय पंक्ति का गोला है वो चतुर्थ पंक्ति के गोले के साथ संरेखित है, जिसकी बात आगे हम करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है तृतीय पंक्ति प्रथम पंक्ति के समान है अतः इसे ए कहा जाएगा। तो ये फिगर है, आप इसमें देख सकते हैं कि प्रथम पंक्ति के गोले का जो केंद्र है वो तृतीय पंक्ति के गोले के केंद्र के साथ एक सीधी रेखा में है, मतलब ये दोनों पंक्तियाँ संरेखित हैं। तो यदि प्रथम पंक्ति का नाम ए होगा तो तीसरे वाली पंक्ति का नाम भी ए होगा, क्योंकि ये दोनों पंक्तियाँ समान हैं। अगला पॉइंट देखिए, चतुर्थ पंक्ति द्वितीय पंक्ति के समान है। तो देखिए यहाँ पे दूसरी पंक्ति के गोले का केंद्र चौथी पंक्ति के गोले के केंद्र के साथ संरेखित है, एक सरल रेखा में है, तो आप कहेंगे दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति दोनों एक समान है। तो यदि दूसरी पंक्ति को बी कहेंगे तो चौथी पंक्ति को भी हम बी नाम देंगे। अर्थात इस पूरी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, ए बी व्यवस्था। देखिए इस पूरी व्यवस्था को हम कहेंगे ए बी व्यवस्था। तो दोस्तों ये था प्रमुख पॉइंट षटकोणीय निविड संकुलन के। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इस वीडियो से आपको लाभ होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके कमेंट्स को मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास भी करता हूँ। आज की वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं।